अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमें कॉल आया था ये सर का, इनके घर में सांप है, तो अभी हम आके देखते हैं कि कैसे रेस्क्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, आ जाओ पीछे में, देखो उनके पीछे सांप है। हाँ सांप निकला माथ के साइड में। हाँ तो वहां से निकल गया, मैंने देखा उसको ऊपर चढ़ा था, ऐसा थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहा था। तो दोस्तों अभी आप हम देखेंगे कौन सा सांप है। देखिए दोस्तों ये आप इस ये देखिए दोस्तों यहाँ इसको टेबल को ऊपर में ले चुका है। तड़तड़ाए तो यंग एकदम तड़तड़ाए तो एक कार्डबोर्ड दे दीजिए मुझे। हेलो तो दोस्तों अभी हमने इसे अभी रेस्क्यू कर लिया है, अभी देखिए हम इसे इसमें एक स्पेक्टेकल कोबरा है। देखिए दोस्तों इसमें हमने स्पेक्टेकल कोबरा भी रेस्क्यू कर लिया है। ये ब्लैक कलर में आता है और इस पे जो 10 का आंकड़ा जैसे नागरे लिपि में जो 10 का आंकड़ा इसके ऊपर जो लिखा है देता है, जैसे ये शेप में रहता है वो, तो इसके ऊपर बहुत ही क्लियर है। ये आपको हम जब रिलीज पे जाएंगे तो इसको इसके बारे में वो भी बताएंगे। चलिए तो ये जो सांप है ये स्पेक्टेकल कोबरा है। ये अभी यानी ये दिन में भी निकलते हैं रात में भी निकलते हैं, इनके बारे में ऐसा कुछ ये नहीं है। अभी आपके घर में उसे जगह मिल गई रुकने के लिए, इसीलिए वो तो जो अपना जो कुदर की जो ये थी उसके अंदर ही रुका था, तो अच्छा हुआ कि आपको ये दिखाई दिया है, तो इसी वजह से ये अभी रेस्क्यू हो चुका है। ये सांप हाईली वेनोस नहीं था, बिग फोर में इनका नाम आता है। बिग फोर मतलब तो अपने आके जो चार सांप है जो विषारी है, जो स्पेक्टेकल कोबरा हो गया, कॉमन क्रेट हो गया, उसके बाद रसल स्वाइपर और सॉस क्रेट, यानी नाक कुनस कुर्से और मन्यार, ये चार सांप, ये एक सांप। हाँ ये नागली
अभी इसे हम जंगल में छोड़ने लेके जाएंगे मैडम। अभी ये हम जंगल में छोड़ेंगे और ये ऐसे इलाके में छोड़ते हैं कि जहाँ पे इंसानों का आना जाना ना हो, क्योंकि नहीं वापस तो नहीं आता और इसकी हम गारंटी भी नहीं ले सकते कि वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम यहाँ से बहुत दूर लेके जाते हैं छोड़ने, क्योंकि इसमें जहर और वो जहर की वजह से लोगों को और इसे भी कोई हानि ना हो। जैसा आपको इससे डर लगता है वैसा इसे भी इंसानों से डर लगता है, लेकिन उसे खाना खाना पड़ता है और वो खाना अपने घरों में उसको मुहैया होता है, वही वजह से वो खाने की तलाश में अपने घरों में आता है। इसका काटने का असर यानी डिपेंड करता है आपके बॉडी में उसने कितना जहर छोड़ा है। अगर जहर ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो आपको आधा घंटा 15 मिनट भी कम पड़ता है, नहीं तो फिर अगर कम क्वांटिटी में होगा तो घंटा 2 घंटा आपको टाइम मिलता है। और साथ ही कभी कभी ये सांप ड्राई बाइट देता है। ड्राई बाइट का मतलब ये इसके काटेगा तो सही लेकिन वो जहर नहीं छोड़ेगा आपकी बॉडी में, तो वैसे समय में आपके अगर गुट लगूंगा तो आपको ड्राई बाइट मिलेगी। इलाज नहीं इसका जो अपना जो सामान्य जो रुग्णालय है गवर्नमेंट इवन हॉस्पिटल, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपका इसके ऊपर अच्छा इलाज होता है। नहीं तो फिर मल्टी स्पेशलिटी जो कुछ भी प्राइवेट में अगर करना होगा तो प्राइवेट में भी जा सकते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ जंगल में, अभी ये सांप जो हमने अभी रेस्क्यू किया था उसे अभी हम छोड़ देंगे, तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। तो चलिए तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे जंगल में पहुंच चुके हैं और ये सांप हम यहाँ पे अभी छोड़ेंगे। ये भी ऐसा एक आंकड़ा बना हुआ है। हाँ तो दोस्तों देखिए ये कितना एग्रेसिव सांप है, इसके बैक साइड में आपको ये आंकड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ही एग्रेशन बता रहा है अभी मेरे ऊपर। देखिए दोस्तों काफी शानदार सांप है ये, इसे स्पेक्टेकल कोबरा, नाग, नाजा नाजा ये सब कहा जाता है। आम भाषा में इसे डोमिया या गवाले ये भी बोला जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही एग्रेसिव सांप है ये, इसका हुड देख लीजिए कितना बड़ा और कितना शानदार है। ये अभी मुझे चैलेंज कर रहा है कि अगर आप मेरे पास में आ जाओगे तो मैं आपको काट खाऊंगा। तो और ये जो सांप है वो काफ़ी जहरीला सांप है, ये सांप काटने से आपकी घंटे 2 घंटे में मौत भी हो सकती है। और अगर ये सांप आपको कभी काटे तो आप इसके काटने पे कोई जो सरकारी दवाखाना जो है वहाँ पे जाइएगा जहाँ पे एंटी वेनम इसका अवेलेबल हो, और ये वजह से आप बच सकते हो। और अगर ये सांप आपको काटे तो कोई झाड़ मंत्र या फूक मंत्र वाले के पास में आप अगर आप जाओगे तो आपकी जान गवा बैठोगे। ये सांप इतना डेंजरस है, इस पे इलाज सिर्फ सरकारी दवाखाना या कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा वहीं पे अवेलेबल होता है, तो आप कहीं किसी झाड़ मंत्र वाले के चक्कर में ना पड़िएगा। दोस्तों अभी हम इसे छोड़ देंगे जंगल के बीच, अभी वो चला जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे वीडियोज अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर मैं आपको मेरे ऐसे वीडियो आगे भी देखना होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, बाय।